7-8 अक्टूबर 2023 गुजरात वलसाड़ में आयोजित अपने TCBT पंच महाभूत कृषि मूल प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के बाद भारतीय किसान संघ वलसाड़ जिले के अध्यक्ष श्री शशिकांत भाई पटेल जी के साथ मैं निकल पड़ा मिलने मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी भास्कर सावे जी के यहाँ मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ हैं शशिकांत पटेल जी और हमारे विजय पटेल जी जा रहे हैं हम। वाह, हम वो फार्म जा रहे हैं जहाँ पर मेरे गुरुजी के गुरुजी अच्युत दाभोलकर जी आए, प्राकृतिक खेती के पितामह जो कहलाते हैं मासानुभ फूको का, वो यहाँ आके सीखे। और भास्कर सावे जी को मैं जब भी प्रशिक्षण देता हूँ हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ आने का मेरा पहला सौभाग्य है, तो अपने आप को मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। देखो जरा सामने कितना बैल और उनकी बैलगाड़ी दिख गई। वाह, भास्कर सावे जी अमर रहे हैं भाई। ये भास्कर सावे जी के घर पे ये बैलगाड़ी देखिए, बताइए जो बोलते थे वो करते हैं, नहीं तो जितने भी किसान बड़े हो गए सबसे पहले बैलगाड़ी बंद की। केवल पानी पियेंगे बस, हो गया। आज रविवार है, तुलसी काढ़ा लेता हूँ मैं। नहीं नहीं, काढ़ा नहीं लूंगा आज रविवार को, तुलसी नहीं तोड़ते हैं ना। हाँ, थोड़ा सा घूमना है परिसर। हाँ, मैंने देखा है, देखा है, लगभग जितने वीडियो हैं वो सब देखे हैं। उनका ऐसा था कि वो महीने में एक दफा चक्कर मार ही लेते थे और किसी के किसी के साथ लाते थे, और उन्होंने मध्य प्रदेश में जो मजवाड़ा में, हाँ मजवाड़ा में तब तो पिताजी गए थे। अच्छा, गए थे। हाँ, एक दिन वहाँ गए थे, अभी भी गए थे। ए अवेलेबल हो क्या? हाँ, भगवाड़ा पप्पा जोड़े अभी गए ये जो नारियल जितने पड़ते हैं ना, उसका सब पौधे बनाते हैं, वैल्यू एडिशन। अच्छा, और ये पौधे बेचते हैं पूरा। अच्छा, पौधे की नर्सरी है। नर्सरी
वाह, जो गिर गए उसके पौधे ही बनाते, पौधे ही बनाते। पिताजी का कहना था वो जो नारियल है तो 200 फुट में पड़ता है, तो कुछ होता नहीं, किसी खाद नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर आप उतारते नहीं चढ़ते? नर्सरी में ही सब बना के करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अग्निदाह किया थे। अच्छा, अग्निदाह किए थे यहीं पर? हाँ, उन्होंने कुछ बोला नहीं था। हाँ हाँ, लेकिन हमको लगा कि कभी भी कोई भी किसान आता है ना, तो आपको आज भी रहते हैं तो उसको ये यहाँ की नर्सरी। और वैरायटी भी बता दो भाई, सब कुछ है वैरायटी का नाम वगैरह दिए? तीन वैरायटी है उसमें, वेस्कोस्टॉल है, अच्छा, और टीएनडी है और बोना है। अच्छा, देखो कितना स्वस्थ है, नेचुरल में कुछ देना नहीं पड़ता होगा खाद वगैरह। चलिए बहुत बढ़िया, साल का जो मैं बोलता हूँ, जिंदगी में एक बार केला लगाओ, अपनी प्रैक्टिस का नाम है, जीवन में एक बार केला लगाओ। वो जो है मेरे घर में 15 साल का केला है, जब हम लगाए थे तब, जब घर बनाए थे तभी लगाए थे। और ये 40 साल का केला देखिए यहाँ पर हर साल आ रहा है, और ये इसकी ऊंचाई जा रही है 20-21 फुट जाएगी। और उसको पानी भी केशाकर्षण से मिलना चाहिए, नजीक नहीं होना चाहिए, तो उसको जो पीले निकलते है कम निकलते। और दूसरा इसका क्या है कि अब नारियल का पत्ता देखो 12.5 फुट है, लेकिन वो ये हो जाता है तो सूख जाता है, नीचे आ जाता है, सब पत्ते नीचे आते हैं, लेकिन केले के पत्ते नीचे नहीं आते। अच्छा, कभी भी नहीं नीचे आते, तो उसका नेचर का क्या तरीका, उसका मतलब होगा ना। हाँ, तो क्या है कि ये जो केले हैं उसके पैरल रहते हैं, तो आज उसको भी घा करोगे तो पानी निकलेगा, नल छोड़ के इतना पानी, तो उसमें इतना 95% पानी ही रहता है। जैसे ये पौधा, ये इसका पानी इसको ही मिल रहा है, तो पानी है। हाँ, तो पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहने के लिए उसको उसे कपड़े पहले। हाँ, एक यहाँ हमारे किसान थे, उन्होंने 15-20 हजार ये लगाए थे, पौधे लगाए थे, और उसने सब साफ किया था, तो वो सब गिरने लगे, तो बहुत सारे निष्णात लाए उन्होंने दिल्ली तक पहुँच गए। बाद में किसी ने बोला इधर वो है, ये क्या है, ये मौसमी है? नहीं, तो पोकनस है। हाँ हाँ, वो देखो बोला था। हाँ हाँ, पोकनस। हाँ हाँ, समझ गया। अभी वो झाड़ देखो, अच्छा ये नारियल का। अरे वाह, देखो कुछ करो भैया, इसको जूम करो जरा, यहाँ कुछ जो है कुछ नहीं है, ऐसा सिंपल, और करिए जूम, कितने फल लगे हैं। वाह, पिताजी का दूसरा एक तत्व क्या था कि आप खाली फल और बी के अधिकारी है, बाकी सब धरती माते को दे देने का दूसरा दिया है। तो बाहर से कुछ लाना नहीं, पिछले 50 साल से उसमें कुछ लाया नहीं। अच्छा, ज्यों कत्ते हैं 50 साल से इधर इधर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बात। ये वो बीच में नाली जहाँ ये जूनियर उनका, कितना आता है, बहुत आता है, इसके शाखाएं भी टूट जाती है पत्ती है, और इसका इतना डार खरा, मतलब मैंने तो नहीं देखा कहीं इतना डार खरा, इतना देखिए ऐसा ही होना चाहिए पत्ती। और इसको धूप में देखेंगे तो कहीं से कहीं देखो, हर जो है हर पोर स्वस्थ है, ये निशानी होती स्वस्थता की, हर पेड़ में जबरदस्त फल है। वाह, कितने साल से फल दे रहे हैं? नारियल तो 5 साल में हो जाते हैं। नहीं, कितने साल से पेड़ खड़े हैं? वो तो 80 के बाद इतना लिया, 80 से पहले है और 80 के बाद, यानी 1980। हाँ,
तो 90 100 और 20 43 साल हो गया, 43 साल का फॉर्म। क्या बात है। और ये सुपारी है, ये सुपारी इसमें भी फल आना शुरू हो गया। सुपारी का क्या होता है, एक झाड़ करीब करीब 2 से 2.5 किलो सुपारी देते हैं, छोड़ के बिकोगे तो 1 किलो का 350 रुपया मिलता है, 2 किलो दिया तो 700 रुपया, 700 रुपया में आपे 100 रुपया खर्चा गया तो 600 रुपया मिलता है। कुछ कर ये नहीं, क्योंकि जो पानी इसमें क्या पेड़ की मात्रा ज्यादा रहती है ना, नहीं आप जंगल बनाओ। हाँ। क्योंकि पिताजी हमेशा कहते थे वनस्पति समूह प्रिय है। हाँ। और आदमी समाज प्रिय है। हाँ। तो समूह बनाओ। हम देखते हैं इधर जाके तलाशरी बाजू में तो सब डूंगर उन्होंने सब खत्म कर दिया, ये देखो कितनी सुपारी आ रही है। हाँ हाँ हाँ। ये क्या है, सनलाइट में होती है, नारियल के बाद वो लगाना पड़ता है, तो वो लगाने के बाद ज़्यादा साल नहीं हुए, 6-7 साल हुए। अच्छा बताओ, इतनी फलत जो दिख रही है और भी जगह नारियलों में रहती है क्या, कि यही जो है रहती है? दूसरा हमारा फार्म है उसमें है, लेकिन कुछ करना ये क्या है, ये तीसरा, ये जो छोटा वाला पेड़ है। हाँ, ये बोनसाई। हाँ, बोनसाई नहीं, वो तो नारियल का ही है। हाँ। वो गिरा हुआ होगा तो नहीं उठाया, हो गया तो रहने दिए। अच्छा अच्छा, अपना उग गया। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम और ये जो है, ये सुपारी के पेड़ कितने साल पुराने होंगे? ये करीब 20। वो उसको जूम करिए जरा, उसको ये थी फाइन देखा। अच्छा, उतना ऊपर चढ़ के कैसे तोड़ते हैं इसको? अपने नीचे आ जाते हैं, अपने आप गिरते हैं क्या? केरला में क्या करते हैं, एक पर गए और शक्कर के दूसरे सुधारते थे, अपने आप गिर ही जाते हैं। हर रोज हमारे यहाँ क्या हुआ, ट्रेनिंग के लिए विद्यार्थी आते हैं। हाँ हाँ, विद्यार्थी नहीं भी आते तो वो ये देखो, जैसे वो गिरा हुआ है तो वो बिनवा लेते हैं। बस। अच्छा चलो, एक हम भी बीनते हैं विद्यार्थी की तरह। ये भैया, ये इस तरह से गिर गए, इनको उठा लिए। ये सुपारी है, ठीक है। वो सूखने के बाद उसको छोड़ा जाता है, मशीन है। चलो, बस नीचे ऐसे रख देते हो आप, है ना? फिर इसकी रूट निकल जाती तब क्या करते हैं? वो अभी बाद में ऐसे लगा देंगे, पहले रूट निकल से पहले, रूट निकलने के पहले ही बस 1 महीने के अंदर लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? वहाँ लगाते, आइए नर्सरी में। तो आप इसको उखाड़ के कितने दिन का हो गया ये पौधा? करीब 9 महीने का। अच्छा, 9 महीने हो गया। तो वो उगने के लिए 3 महीने लगता है। हाँ। और दूसरे 6 महीने में हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। अब इसको किसान ले जाके सीधे लगा देगा? लगा देगा। उसमें क्या है सर, जो आप अभी खोलोगे तो अंदर उसका आपका स्टोरेज फूल मिलेगा, क्योंकि वो उसका 1.5 साल तक रहता है। तो 1.5 साल के अंदर 1.5 साल का फूड रहता है इसमें। हाँ, 1.5 साल तक उसका माँ का दूध बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। और अभी ये केवल 9 महीने का हुआ है। हाँ, 1.5 साल के पहले उसको। आप देखिए कितना बढ़िया पौधा है, मतलब कहीं से कहीं किसी तत्व की कमी नहीं है, नेचर ने खूब दिया है, सब देता है। देखिए क्या होता है, वो आप 1.5 साल के पहले उसको ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि उसको आपको उखाड़ेंगे तो उसको जड़े आने के लिए कम से कम 30-35 दिन लगेगा, तो वो जिएगा कहाँ से? तो उसका जो स्टोरेज फूड है, वो आप जो फूल खोल के जो देखोगे, जितना व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद। मुझे थोड़ा सा बताइए, ये एक पौधा कितने रुपए का जाता है? अभी हमारा वो जो रोपण था 100 रुपए में जाता है, 100 रुपए में। और दूसरा जो ये है ना TND और ड्राफ्ट, वो 120 में जाता है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। गोपाल भाई देने वाले हैं। हाँ, क्योंकि ये अगर इसका गोबर जाएगा तो इसका नेचर इसको डैमेज होगा। वो गोपाल भाई को साथ बात हुआ है, उन्होंने देने वाले हैं। वो आए अच्छा, 9 अक्टूबर 1997। ठीक है, काटिए नहीं।
चलिए बहुत सुंदर। अनिल काकोडकर को मानते हैं अर्णशास्त्र, उसको बोला पिताजी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तब उसके साथ मर गए थे, भड़क गए, तब पे उन्होंने अनिल जी ने बोला आप सुनो बैठो, हम अब बैठो बात करो। तब वो यहाँ जाके वहाँ उद्घाटन करने वाले थे और वहाँ सब 2000 किसान इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ एक ने उठ कर बोला कि किसान को आप मार्गदर्शन करो। तो वो बोलते कि मैं एक ऋषि तुल्य आदमी को जाके मिला है, उन्होंने उनके मैं का आपको एक भी देखो कितना प्रसिद्ध हुआ, खेती में क्या करना ये सब जानते, क्या नहीं करना यही समझाना है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जय हो प्रभु। इसके बाद जो हमने दूसरा जो हमारा सुमारी फॉर्म है पीछे का फॉर्म है वो जो आपका पता है। यहाँ पर आने का अनुभव कथन मैंने लिखा कि मुझे यहाँ आकर बहुत ही अद्भुत अतुलनीय आनंद आया, एक असीम प्रेरणा मिली।